हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल इन पाइथन। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे वैल्यू और वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। These are standard symbols used for the purpose of logical and arithmetic operations. ये कुछ standard symbols होते हैं जो हम use करते हैं logical और arithmetic operations के लिए। Python divides the operator in the following groups. First, arithmetic operator. Second, assignment operators. Third, comparison operators. Fourth, logical operators. Fifth, identity operators. सिक्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमें एड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो एड के लिए हम ये प्लस वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो उन्हें हमें ऐड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। ये माइनस वाला जो साइन है ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लाई के लिए हम ये स्टार वाला साइन यूज करते हैं। डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज करते हैं। डिविजन फ्लोर, अगर फ्लोर फंक्शन में यूज करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं डबल स्लैश वाला साइन। ये मॉड्यूलस के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ये क्या है, हमें रिमाइंडर, जो भी अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। एंड अगर हमें पावर निकालना है तो उसके लिए हम ये डबल स्टार वाला साइन यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है एक्स डबल स्टार वाई, यानी कि एक्स की पावर वाई, तो ये उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लिखा है, एक्स दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर हमें ये कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करते हैं। लेस देन के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, लेस देन वाला। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल यूज करते हैं। नॉट इक्वल के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये करेंगे एंड लेस देन इक्वल टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। जहां पे भी कंडीशन ट्रू फॉल्स वाली आती है या कुछ भी कंपेयर करनी होती है वैल्यूज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तब हम ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स एंड परफॉर्म लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोगों की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ हम यूज करते हैं। इसमें भी कंडीशन ट्रू फॉल्स वाली है। जैसे एंड, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। जब हमें किसी एक पे कंडीशन लगानी है, या तो एक्स ट्रू होगा या वाई, या फिर दोनों, एंड एंड है तो वो दोनों के लिए होता है, और है तो वो किसी एक के लिए होता है, या तो x ट्रू होगा या फिर y ट्रू होगा। यहाँ लिखा है ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, तब हम एंड यूज करते हैं। ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तब हम और यूज करेंगे। ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, अगर ऑपरेंड फॉल्स है, जैसे कि x फॉल्स है, तो उसके आगे हम ऐसे नॉट लगा के लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन पाइथन bitwise operators are used to perform bitwise calculation on integers. अगर आप चाहते हैं कि आपको integer के ऊपर कोई bitwise calculation perform करनी है, तब हम bitwise operator को use करते हैं। The integers are first converted into binary and then operation are performed on bit by bit. Like आपके पास कोई एक integer वैल्यू है, आपके पास एक इंटीजर है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसे बाइनरी में चेंज करेगा। क्योंकि बिट वैल्यू क्या होती है, जीरो और वन, उस पे परफॉर्म करना है तो वो पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसकी बिट वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। हेंस द नेम बिटवाइज ऑपरेटर, देन द रिजल्ट इज रिटन इन अ
डेसिमल फॉर्मेट, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये एंड हम बिटवाइज एंड के लिए यूज करते हैं, ये वाला सिंबल हम और के लिए यूज करते हैं, एंड दिस सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉट के लिए। ऐसे बिटवाइज और होता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो ये सब जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारी वैल्यू को अगर हमें असाइन करना है किसी वेरिएबल को तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। हमारा ये जो इक्वल वाला साइन होता है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। असाइन वैल्यू टू राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन टू लेफ्ट साइड ऑफ इट। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो जो y प्लस जेड की वैल्यू होगी वो हमारी x में असाइन होगी, यानी कि जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखा होता है उसके अंदर हमारी वैल्यू असाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, हमेशा लेफ्ट साइड वाली में। राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। ये देखिए प्लस इक्वल एंड हम इस तरह से शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब यही होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, माइनस वाले को भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप नीचे देखिए मल्टीप्लाई के लिए भी यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं। अगर यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल है, यहाँ पे a इक्वल टू a इंटू b है, तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे डिवाइड के लिए है, मॉड्यूलस के लिए है, एंड फ्लोर फंक्शन के लिए। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलिए देखते हैं क्या है ये। Is and is not is the identity operators. Both are used to check if value are located on the same part of the memory. Two variables are that are equal does not imply that they are identical. तो क्या होता है, is और is not जो होता है वो ये बताता है कि ये जो value है वो यहाँ पे present है या फिर नहीं है उस location पे, same part जो हमारा memory के same part पे located है या फिर नहीं है। Is True if operand is identical, अगर वो वहां पे present है, is है, तो ठीक है, value आपका output कहेगा true। Is not true if operand are not identical। Is not की value कब true होगी, जब वो operand वहां पे present नहीं होगा। तो basically किसी भी चीज के अंदर check करने के लिए कि value present है या नहीं, हम is और is not operator use करते हैं। Membership operators क्या होते हैं, in and not in is the membership operator used to test whether a value or a variable is in a sequence. कोई हमारे पास एक sequential values है तो हम उसके अंदर check करते हैं कि क्या इसके अंदर वो value present है या नहीं है, उस condition में हम in और not in use करते हैं। तो in true if value is found in the sequence, अगर किसी sequence के अंदर value found हो गई in, तो उसकी value true होगी। इन नॉट कब ट्रू होगा, जब हमारी वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो इस तरह से हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो ये थे सारे ऑपरेटर्स जो हम पाइथन में यूज करते हैं जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।